हम देखते हैं लाइसोसोम, लाइसो लाइसोसोम, लाइसोसोम हमारी कोशिका में पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका अंगक होता है। लाइसोसोम की अगर मैं बात करूं तो यह ग्रीक भाषा से यह शब्द लिया गया है लाइसो, लाइसो और सोम। लाइसो का मतलब क्या होता है? पाचक। और सोम का मतलब क्या होता है? काय। अर्थात इसमें कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पाचन से संबंधित होते हैं, अर्थात इसमें वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पाचन करने में मददगार होते हैं। बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी खोज सबसे पहले क्रिश्चियन डी ड्यू ने कब की थी? इसकी खोज सबसे पहले 1958 इसकी खोज की थी। यह बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है हमारे कोशिका में पाई जाने वाली, तथा इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। अगर इसकी संरचना की बात करूं तो यह छोटी छोटी अनियमित पुटिकाओं के जैसी संरचना होती है, या छोटे एक थैले के समान यह संरचना हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से इसमें इस प्रकार से बीच में कुछ माइलिन भी होती है, और ये होती है कोशिका झिल्ली। और इसमें क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम्स। ये है लाइसोसोम की झिल्ली, और ये है माइलिन सीथ। तो यह एक लाइसोसोम की संरचना होती है जिसमें की कोशिका के अंदर बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि यह कोशिका में क्या क्या इसके कार्य होते हैं, तो हम इसके कार्य की बात करें कि कोशिका के अंदर यह एक कोशिका को साफ सुथरा बनाने का काम करता है। कोशिका में जो भी कोशिका के जो चयापचय के दौरान जो टूटे फूटे अंग होते हैं उसको यह पाचित कर कोशिका को साफ करने का काम करता है। कोशिका के अंदर कोई बाह्य जीवाणु या कोई वायरस आ गया तो उसको भी यह पाचित कर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, अर्थात उसको निष्क्रिय करने का भी यह काम करता है। अर्थात कोशिका में यह पाचक एंजाइम्स होते हैं जो कि जीवों को कोई भी अगर सूक्ष्म जीव उसके संपर्क में आता है तो वह एंजाइम्स कारण क्या होता है, वह नष्ट हो जाता है। यदि किसी कारण से चयापचय क्रिया के दौरान अगर कोशिका को क्षतिग्रस्त होती है तो क्या होता है कि यदि यह इसकी थैली फट जाती है तो इसके अंदर के जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वह थैली में आ कोशिका में आ जाते हैं, तथा वह अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है, जिसको कि कोशिका की आत्मघाती थैली भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली। क्यों कहते हैं? यदि किसी कारण से कोशिकीय चयापचय के दौरान इसको क्षति पहुंचती है तो ये थैली क्या होती है, इसके अंदर के जो पाचक एंजाइम्स होंगे वह कोशिका के बाहर आ जाएंगे, तथा ये एंजाइम जैसे कोशिका में आएंगे तो यह अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बेकाउ सेल भी इसको कहते हैं। यह कोशिका को साफ बनाने का, साफ सुथरा बनाने का भी कार्य करता है। कोई बाह्य पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फूड पार्टिकल्स
या भोजन के कण इसके संपर्क में आते हैं तो उसको यह पाचित करने का काम करता है। यह सभी कार्बनिक पदार्थों को जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, उसको पाचित कर उसको तोड़ने का इसमें बहुत ही क्षमता या शक्ति होती है, क्योंकि यह इतने पाचक इंजाइम से होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह कार्बनिक पदार्थों को तोड़ फोड़ करता है तथा यह विभिन्न प्रकार के बाह्य जो जीवाणु या विषाणु हमारे कोशिका के संपर्क में आते हैं उसको भी यह नष्ट करने का काम करता है। तो यह एक प्रकार का लाइसोसोम हो गया जो कोशिका को साफ करने का काम करता है। इसमें पाचक एंजाइम्स जो होते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों को पाचित करने का काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के बाह्य जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करता है। कोशिका को कुछ भी फूड पार्टिकल हो या कोई टूटे फूटे कोशिका हो उसको भी उसका भक्षण कर या उसको पाचित कर कोशिका को एक साफ सुथरा बनाने का यह काम करता है। तो इस प्रकार से यह कोशिका के इसके लाइसोसोम के ये कार्य हो गए। अब देखते हैं अगला कोशिका। अब हम देखते हैं अगला कोशिका अंग जिसका नाम है माइटोकांड्रिया। माइटो कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि सामान्यतः कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते। क्या कहते हैं इसको? इसको सामान्यतः कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास देख ले, इसका नाम का मीनिंग देख ले कि माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्यों कहते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है यह माइटो और कॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटो का मतलब क्या होता है? फिलामेंट, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। फिला को हिंदी में हम तंतु कहते हैं और ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं दानेदार, अर्थात यह एक कोशिका में पाए जाने वाली दानेदार तंतु के समान संरचना होती है, इसलिए इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा। अगर मैं बात करूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो यह एक कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने, कोलिकर नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1850 में सबसे पहले इन्होंने इस संरचना को देखा और इसका नाम दिया साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। हिंदी में अगर देखे तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य दानेदार संरचना, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इन्होंने नाम दिए इनको, यह दानेदार कोशिका द्रव्य, दानेदार कण, छोटे छोटे कणों के समान कुछ संरचना दिखाई दी, कुछ तंतु के समान संरचना होती है, कुछ छड़ के आकार की संरचना होती है। तो इस प्रकार से इसकी आकृतियां होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया सबसे पहले बेंडा नामक साइंटिस्ट, क्या नाम थे? बेंडा साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने इसको सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कहा। क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक और वैज्ञानिक ने इनपे मदद की, ओमबुज। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है इन्होंने दी
सबसे पहले पॉलिकर ने इनको खोजा, उसके बाद बेंडा ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और होम्बुज नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है।